नमस्कार, मैं सुनीता अपने चैनल इजी किचन रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई रेसिपी। पास्ता तो आपने बनाकर चटपटा बहुत बार ही खाया होगा, क्या आपने इस तरह का स्नैक्स खाया है? पास्ता से हमने इजी तरीके से एक नया स्नैक्स बनाया है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी नई रेसिपी। सबसे पहले हम अपना पास्ता उबाल लेते हैं। यहाँ हमने एक बर्तन में पानी रखा था, पानी हमारा उबलने लगा है, तो अब हम इसमें डाल देंगे एक कप पास्ता। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल, साथ में डाल देंगे एक चम्मच नमक। इसको मिला देंगे और इसको हमें 90% तक उबालना है, ज़्यादा हमें इसको उबालना नहीं है। अब हम इसे उबलने देते हैं। यहाँ हमारा पास्ता उबल गया, अब गैस कर देंगे बंद। हम अपने पास्ता को एक स्ट्रेनर में निकाल देंगे। और ये और कुक नहीं हो जाए उसके लिए हम इस पर ठंडा पानी डाल देंगे। अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। यहाँ हमारे पास्ता ठंडे हो गए हैं। अब हमारे पास ये स्टिक है, हम इन स्टिक के साथ इनको इस तरह से डाल देंगे। इस तरह से हम तैयार करके एक प्लेट में रखते जाएंगे। ये हमने सभी बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं डोसा काम करते हैं। अब हम एक बर्तन में एक आधा कप मैदा लेंगे, इसमें डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्ची का पाउडर, इसमें डालेंगे एक चम्मच ये मिक्स हर्ब, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक घोल बना लेंगे। पहले थोड़ा पानी डालकर इसको घोल लेते हैं और इसका लम्स ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हम पानी डालेंगे। यहाँ हमने इसके सारे लम्स ख़त्म कर लिए, अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए, ये हमारा बैटर तैयार हो गया, इस तरह का हमें चाहिए। यहाँ हमने एक प्लेट में ब्रेड क्रम ले लिया है। अब हम अपने स्टिक को उठाएंगे और अपने घोल में डालेंगे इस तरह से। एक्स्ट्रा को हम इस तरह से झाड़ देंगे और ब्रेड क्रम में इनको कोट कर देंगे। ब्रेड क्रम से इस तरह से इसको पूरी तरह से कोट कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम रखते जाएंगे। इसी तरह से दूसरा भी लेंगे।
एक्स्ट्रा बैटर को झाड़ देंगे। और ब्रेड क्रम में कोट कर देंगे हम। इसी तरह से हम सारे बना लेते हैं। ये हमने तैयार कर लिए हैं, अब चलते हैं इनको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ गैस पर हमने तेल गरम होने के लिए रखा था, तेल हमारा गरम हो गया तो हम अपने स्टिक को उठाकर इस तरह से तेल में छोड़ देंगे। कढ़ाई हमारी छोटी पड़ गई है तो हम इस पर इस तरह से तेल डाल देते हैं। अब हम इनको पलट लेते हैं। ये हमारी फ्राई हो गई है, इसको निकाल लेते हैं। इसको भी सेक लेते हैं अच्छे से। ये भी हमारी फ्राई हो गई। इसी तरह से हम बाकी के भी फ्राई कर लेते हैं। ये हमारे सभी स्नैक्स बनकर तैयार हो गया, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं।